इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, यह वीडियो है आपके लिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने इस साल 10वीं या 12वीं का एग्ज़ाम दिया और गलती से किसी एक विषय में या दो विषय में फेल हो गया, तो उनके लिए ये वीडियो है, ज़रूर है। यूपी गवर्नमेंट ने जो कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट का परीक्षा का जो नया लिस्ट निकाला था, जो नया फॉर्म निकाला था, वो अब ख़त्म हो गया है। उसकी अंतिम तिथि 20 अगस्त थी और अब तक 33,000 कुछ बच्चों ने, स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। अभी तक जो 33,344 स्टूडेंट ने ऑनलाइन आवेदन दिया है, जो 5 अगस्त को एक्टिव हुआ था फॉर्म भरने का एप्लीकेशन, और 20 अगस्त को इसकी अंतिम तिथि थी, जो अब ख़त्म हो गई है। इसको बढ़ाया नहीं गया है, 20 अगस्त तक ही इसकी अंतिम तिथि दी गई थी। फिर हम बात करते हैं कि जो 27 जून को यूपी गवर्नमेंट ने 10-12वीं की परीक्षा घोषित की थी, उसमें से 35,000 बच्चे फेल हुए थे, 35,017 बच्चे फेल हुए थे एक विषय में। और इस बार यूपी गवर्नमेंट नया स्कीम लाया है कंपार्टमेंट परीक्षा कक्षा 12 के लिए, पहले ऐसा नहीं होता था, वो लाया है। लेकिन सिर्फ 17,505 बच्चों ने ही कंपार्टमेंट परीक्षा का आवेदन भरा है जो एक विषय में फेल हो गए, जबकि वही हाई स्कूल में 15,839 बच्चों ने फॉर्म भरा है। अभी जारी नहीं हुई है यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा के शेड्यूल, तो शेड्यूल आपके आते हैं कि कब परीक्षा किस तारीख को कौन सी परीक्षा होगी, ये अभी तक नहीं आई है। कोविड-19 जो संक्रमण है उसके कारण ये नहीं हो पाया है। जल्द ही गवर्नमेंट इसके बारे में भी आपको जानकारी देगी। ये स्टूडेंट दे सकते हैं कंपार्टमेंट 10वीं कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा। देखिए, 10वीं कंपार्टमेंट परीक्षा कौन दे सकता है, जो कम से कम 2 विषय में फेल हुए हैं वही कंपार्टमेंट परीक्षा दे सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट का परीक्षा वो दे सकते हैं जो सिर्फ एक विषय में फेल हुए हैं हाई स्कूल के लिए। और इंटर के लिए अगर आप एक विषय में फेल हो तो अब तो आप इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो। इसी के साथ वीडियो का एंड कर रहे हैं। आपने वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।